तो वापस लाना बड़ा टेढ़ा होगा, क्योंकि विकास की चीज लानी क्यों सब में खांडे की दार है। तुम्हें लड़ता ही दादा आवे कितु नागोराला तो क्यों सुराला तो क्या नागोराला नीयत खराब है। और नागोराला तीन दिनों मन कह दिया है कि जयपुर अजमेर वाला नीयत खराब है। टाइम से धरना चल रहा है साथी का कला खुर्द गांव और रावण की डाणी के बीच में जो जीएसएस 2019 से स्वीकृत है उसकी आपसी विवाद के बाद लंबा पड़ने के बाद गांव के लोगों ने छत्तीसी को हम लोगों ने धरना देखे अधिकारियों के सामने विभाग के सामने अपनी मांग रखने के लिए धरना जारी रख रखा है। मैं सबसे पहले दिन धरनार्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत आपकी एकता और ताकत के लिए धन्यवाद और स्वागत करूंगा। मैं इस क्षेत्र का कार्यकर्ता हूं और दो चुनाव भी लड़ा हूं, लेकिन मानसिक दृष्टि से कभी भी इस तरह की मेरी विचार सोच नहीं देती। गांव के आदमी ठोका हो लड़ाओ आपस में बयान फटाओ ये मेरे खून में भी नहीं है, मैं कभी नहीं चाहता हूं। क्योंकि किसान महासभा से मेरा राजनीति में जन्म हुआ है, आज आपको जानकारी तौर पर बता देता हूं। मेरा राजनीति में जो जीव जन्म हुआ है वो किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते हुआ है। आज सोपे सिंह जी चौधरी संसार में नहीं है, लेकिन अमरा राम जी धोद आज संसार में राजनीति के रूप से जीवित भी है। उनके साथ में मुझे कई आंदोलनों में कई लड़ाइयों में शामिल होने का मौका मिला। जब मेरी उम्र पूरी पकी उम्र भी नहीं थी और एक बार वसुंधरा जी के राज में किसानों ने हुंकार भरी, उस हुंकार में लड़ाई लंबी चल गई जैसे आज आप लोग लंबी लड़ाई लेके बैठे हो। और जब किसान बिना धोती कुर्ता साथ में ले आए बिना पहनने के अलावा उन्होंने सोचा एक दिन का धरना कल वापस आ जाएंगे, तो ना तो रोटी पानी का सामान था ना वहां को टेंट का सामान था। किसान महासभा की घोषणा थी और एक दिन की लड़ाई के लिए जयपुर बुलाया, वो लड़ाई इतनी लंबी खिंच गई जो राजस्थान के इतिहास में किसानों की सबसे बड़ी लड़ाई थी। तुम्हारे भी गांव में ट्यूबवेल ही जकी समस्या अगला नहीं भाई समस्या माने ही। और मैंने जयपुर में जानकारी मिली कि किसान आया तीन दिनों दोनों देर सरकार के खिलाफ बैठा है, तो आपने भी चादर मदद करनी चाहिए। तुम्हारी ख्याल हूं कई किसान लोग भी धरना में हाला जयपुर ना पड़ा वो किसाना को, तो मैंने कहा भाई मेरी और तो ज्यादा श्रद्धा नहीं है, क्यों सर तहसील के जितने भी किसान आए हैं उनके लिए जितने दिन आंदोलन चलेगा जितने दिन ट्रैक्टर ट्रक रोटी पानी रहने की व्यवस्था गुरु सिंह ये किसान क्यों सरकार जयपुर बैठा करेगा। और आपका अचुंबा होगा उस दिन मैं राजनीति में था ही नहीं, मैं सरकारी नौकरी करता था। मेरे गांव में ट्यूबवेल मांदरम कराई हुई थी, फसलें जल रही थी, ना मेरे मन में कोई स्वार्थ था ना मेरे कभी जिंदगी में सोचा कि मैं राजनीति में आऊंगा, उस दिन मेरे दिमाग में थी नहीं, सरकारी नौकर था मैं तो। लेकिन हो सकता है परमात्मा की मर्जी है, उस रास्ते चलना पड़ेगा। इंसान के मन में तो बहुत कुछ है कि मैं यूं कर लूं व्यूं कर लूं, हाथ में कुछ भी नहीं है। अब वे माता लेकर भेजो नहीं भी मारे बहनों पर, और जो संजोग बनियो कि भी ट्यूबवेल ले जाऊं किसानी कार्य में जो हमारी भावना जागी और किसान महासभा में अमरा राम जी साथ मुझे जोड़ने का मौका मिला और जोशी भी मेरे से श्रद्धा हुई उस आंदोलन में खिंसर के किसान भाइयों के लिए। जयपुर में मेरे प्लॉट में जैसी भी सेवा थी उस दिन वो सेवा करी, वही सेवा का कारण है कि सरकारी नौकरी छोड़कर आज यहाँ बीच में 17 साल से मेरी जैसी भी श्रद्धा है किसानों की मजदूरों की जैसी सेवा कर रहा हूँ। आज आपके बीच में आपका जो धरना चल रहा है गांव साथी का रावण की डाणी जो 3 साल से जीएसएस स्वीकृत है, मेरे पास दोनों पक्षों की बात आई, मैंने कोशिश भी करी लेकिन गांव में आपस में खिंचाव की वजह से कोई तैयार नहीं हुआ। तो मेरा तो जी जल रहा था वो 2-2.5 सालों से भाई गांव को फायदा मिल जाए, कहीं ये लैप्स हो गया तो वापिस जीएसएस बहुत मुश्किल हो जाएगी। और साथी का ऐसा गांव है थड़ी एरिया है मरुस्थलीय डाणियों में बसा हुआ है, कम से कम 20 किलोमीटर में ये गांव बसा हुआ है और ये जीएसएस एकर कैंसिल हो गया तो वापस लाना बड़ा टेढ़ा होगा, क्योंकि विकास की चीज लानी क्यों सब में खांडे की दार है। तुम्हें लड़ता ही दादा आगे कितु ये वास्ते हमारे मन में ही अबार आप लोगों ने धरना लागिया ने बाद मारखन हमसार आया हगला
भीम सिंह जी मारखन आया, मन पूरी बात बताई। मैं भीम सिंह जी ने बड़ी बात करता ही, मैं अधिकारियों तुरंत एमडी और एसी हूं। बात करी मैंने कहा साहब जकी बात अचकुड़ी भी गांव की बात रवाज से गांव का लगभग मीनक सभी जाति का एक जगह बैठा है। अब मौको है लोयो गरम एयर कर दियो, मान लो बीच में कह लाओ विभाग और गांव का फैसलो कर लो। मैं साता बोले आप क्या चाहते हो? मैंने कहा जो गांव चाहता है जनता बैठी चाहती है वही मैं चाहता हूँ। क्यों? क्यों एक तरफ कोई चीज चली जाएगी तो पूरे गांव को फायदा नहीं होगा, मुझे फायदा होगा यूं मान लो। इसलिए गांव के लोग बीच में कह रहे हैं नेताओं को छोड़ो आप खुद ही तय कर दो। बोले साहब कल तक का टाइम दो। शाम को एमडी साहब से बात करी, एक घंटे बाद एमडी साहब ने वापस फोन करके कहा दुर्सिंह जी जो आपने कहा एसी साहब ने फाइल भेज दी, ऑर्डर कर दिया और हमने धरना वालों को भी भेज दिया, विभाग के अधिकारी को भेज दिया। मैं राजी हूँ, मेरे को लालो छोटी करो स्मृति के बाद से राजी हो। मैंने कहा चलो समान आदेश ही कर दियो, जब धरना रखा अधिकारियों मिल रहा आपकी बात ले जी, बात खत्म हो जी। नेता बीच में नहीं आया पर आज था पड़ी कि आज पांचों छठो दिन आदेश जारी हुआ के बाद भी नागोराला तो खिलसराला तो कह नागोराला नीयत खराब है और नागोराला तीन दिनों मन कह दिया है कि जयपुर अजमेराला नीयत खराब है। फिर भी नीयत ने साफ करने वास्ते परसों मैं भीम सिंह जी और जगह पदर यहाँ लोगों बात कर, मैंने कहा भाई आप कह रहे हो सम्मान दे रहा हूँ मैं भीड़ वाला जन सम्मान दे रहा हूँ वास्ते भाई मैंने एक दो दिन को टाइम दो मैं था के लिए जयपुर जा गरीब विचार देखू देखा कोई बीच में कौन डालो मेरे करे। कल मंत्री जी ऑफिस में गये मंत्री जी ने घेरबा की कोशिश ही नहीं कहा तो आज हर आदेश करवाओ बट जो सुन लो मंत्री जी हा कोनी कोटा मुख्यमंत्री साथ है बट उसी रामेश्वर जी डूडी हॉस्पिटल में ज्यादा बीमार है बेबार साढ़े चली गया। कल इंतजार रात तक करे हो कल अधिकारियों ने पूरा दिन खंचाई जीती करा सो तो मोटूड़ा अधिकारियों कर भाई ऑर्डर मंगवाया ऑर्डर मंगा आने ऑर्डर भिजवाया जयपुर वाला अधिकारी क्यों शाम तक फैसला करो एक साहब शाम तक टाइम दो मैं दोनों पक्षों ने बुला मैं निवेड़ो कर शाम तक जवाब दे देवा पर मन तो अबा ठा पड़ी थार बीच में आयो तुमने कैसा कल बुलाया तो हाँ पर निवेड़ो को नहीं। आज सुबह वो अधिकारी फोन बन उठा रहा अब आप धरने रमायन आज पांचों चौथी बार फोन लगाए जना ऐसी साहब फोन उठाया कि मैं तो विसी में हो सा तो कहीं विचार है जन के कोई इश्ते आएगो इश्ते आएगो जना भाई नाई नाई बाल गीता मैं तो आई क्या हूँ सत्तू जी ने अरे बेटा सून जी ने अरे गांव वाले छत्तीसगढ़ के लोगों ने लड़ाई हाथ में ली हो तो फा समझ पड़ जियो आज दूरू सिंह धरात आयो मैं ना तो ये पक्ष की बात रख रहा हूँ ना इस पक्ष की बात रख रहा हूँ मैं तो खुले रूप से कह रहा हूँ जब छत्तीसगढ़ के लोग निष्पक्ष रूप से गांव के पंचायत के सेंटर में बनानी चाहे तो अधिकारियों को विभाग बनानी चाहिए। मैं खुद कहता हूँ कि गांव के बीच में बिना लड़ाई होते हुए प्रेम से जीएसएस बीच में बनना चाहिए ताकि पूरी पंचायत में बिजली जीएसएस को फायदा मिले। अब अधिकारी धीरे धीरे कह रहे हैं साहब मांकी बस की कौनी मैं आपने कह दू बल्कि बल्कि असली बात ना तो अधिकारियों के हाथ में